गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज है हमारा नेचर हाट में दूसरा दिन और अभी सभी सो रहे हैं भाई, इनको सनराइज़ से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे जल्दी जाना होगा सनराइज़ देखने के लिए, क्योंकि सुबह के 5:30 हो चुके हैं और मैं दौड़ कर जाता हूँ छत की तरफ, वरना सनराइज मिस हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी मैं अपने होटल प्रभात विहार के छत पे हूँ और पीछे देखिए वो जो होटल आपको दिख रहा है वो भी प्रभात विहार ही है, लेकिन वो ऊपर वाली बिल्डिंग है और हम नीचे वाली बिल्डिंग में हमारा रूम था। तो अभी सुबह के बज रहे 6, लेकिन सनराइज़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं और अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है, क्योंकि बादल जो है पीछे में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए सुबह 6 बजे का टाइम ही सनराइज़ होने का था, लेकिन अभी तक सनराइज़ नहीं हो पाया है। और कल शाम को भी मैग्नोलिया पॉइंट पर सनराइज़ के लिए, सनसेट के लिए हमने काफ़ी वेट किया, लेकिन वहाँ पर भी समय से काफ़ी पहले ही सूरज जो है बादलों में छुप गया, जिस कारण से हम सनसेट भी ठीक से नहीं देख पाए। तो अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं सनराइज़ का, लेकिन सनराइज़ अभी तक हुआ नहीं है। और मेरे पीछे भी कुछ इसी छत पर कुछ लोग हैं और पीछे वाले बिल्डिंग में बहुत सारे, कम से कम 400 लोग होंगे जो सनराइज़ का वेट कर रहे हैं। तो अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है। रात को ठंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी और रात को हमने कंबल ओढ़ कर सोए, मोटे मोटे कंबलों में हम सोए। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर अभी सनराइज़ की स्थिति है और बादल है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए सनराइज़ का तो कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि 6 बजे होने वाली जो सनराइज़ है वो 6:30 में हो, क्योंकि फ़िलहाल तो सूरज बादलों में छुपा हुआ है, धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है, कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अब मैं तो अपने बेड से सुबह सुबह छोड़कर 6 बजे दौड़ कर आया हूँ सनराइज़ के लिए, लेकिन अभी तक सनराइज़ का कुछ पता नहीं है। तो वेट करते हैं सनराइज़ का थोड़ी देर के लिए और देखते हैं सनराइज़ कब तक होता है। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद सनराइज़ हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो सनराइज़ वहाँ पर हो चुका है। और काफ़ी ज़्यादा हमने इसके लिए इंतज़ार किया, कम से कम 20-25 मिनट लेट से सनराइज़ हुआ है कुहासा के कारण। तो पीछे तरफ जो है लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, वो हट चुकी है अभी, क्योंकि उस बिल्डिंग पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सनराइज़ देखने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन आखिरकार सनराइज़ हो चुका है। तो आज ये हमारा दूसरा दिन और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट ले लिया है पूरी सब्जी और इन्होंने लिया है ब्रेड एंड बटर। तो अभी सुबह के हो रहे 11 बजे और सिर्फ हमारी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि लोग आते हैं सिर्फ यहाँ पर एक रात बिताने के लिए। और सुबह सुबह 10-11 बजे तक सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाती हैं और नई गाड़ियाँ फिर आएंगी दोपहर के 12-1-2 बजे के आसपास। तो हम निकलते हैं यहाँ से, रिटर्न जर्नी अब हमारी शुरू होने वाली है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। टूरिस्ट इलाके से हम बाहर निकल चुके हैं और अभी हम बढ़ रहे हैं अपने शहर जमशेदपुर की तरफ। तो कल जिस रास्ते से हम आए थे भाया रांची, तो आज हम एक दूसरी रूट जो है उसको ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे पहले लोहरदगा, क्योंकि लोहरदगा तो दोनों रूट में लोहरदगा मिलेगा ही, पहाड़ों से उतरने के बाद ही लोहरदगा मिल जाता है। उसके बाद हम एक और रूट है वहाँ से खूंटी होकर, और खूंटी मतलब इस रूट में हमें रांची नहीं मिलने वाला है, और उसके बाद हम खूंटी से फिर NS-33 पकड़ेंगे तमाड़ में और फिर वहाँ से जाएंगे जमशेदपुर। तो अभी हम आ चुके हैं लोहरदगा में और यहाँ पर हम डाब पानी पीने वाले हैं। तो डाब का रेट है यहाँ पर 50 रुपये, थोड़ा सा कॉस्टली है। हाँ लूटी रहेगा, हमारे इलाके में लगभग ये 30-40 रुपये में मिलता है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये है।
तो हमारी प्लान पहले कुछ और था, दूसरा रूट पकड़ने वाले थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन वो जो रास्ता था थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा नैरो था, तो हमने वापस उसी रास्ते को पकड़ा जिस रास्ते से हम आए थे, यानी लोहरदगा वाला रास्ता भाया रांची। तो यहाँ से पहुँचने में हम लगेंगे और 4 घंटे और हमें, और लगभग शाम को हम पहुँचेंगे 5:30 बजे के आसपास। ये आ गया हमारा डाफ। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पंचवटी होटल बुंडू के पास और यहाँ पर करेंगे लंच, क्योंकि दिन के बज गए हैं 3 और हमने वही रास्ता चुना है जिस रास्ते से हम कल नेतरहाट आए थे। तो यहाँ से और जमशेदपुर की दूरी बची है सिर्फ 90 किलोमीटर की। क्या है, वेज फ्राइड राइस, पनीर बटर मसाला और सैलेड।